हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त क्रिजीटा। तो आज की वीडियो आपके या मेरे लिए ही नहीं, उन सभी ड्रैगन बॉल फैंस के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो जानना चाहते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में बहुत बहुत बारीकी से, बहुत ज्यादा डिटेल में। तो इस वीडियो को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला कि क्या है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, क्यों है वो सभी गॉड्स और एंजल्स में इतना पॉपुलर इस छोटे बच्चे को छोड़कर, और दूसरा कि कैसे ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्टेट काम करती है कि गोकू के सुपर सैयन गॉड ब्लू प्लस 20 टाइम्स कायोकेन होने के बावजूद भी वो जीरन के आगे नहीं टिक पा रहा था। लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल करने के बाद गोकू एक पहला फाइटर है जिसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में जीरन को एक नी किक मारी है, वो भी इतनी ज्यादा ताकतवर। और तीसरा कि क्यों गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्टेट में बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह पाया। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उस रेड सब्सक्राइब बटन पर अपना फेवरेट अटैक कीजिए, मेरे हिसाब से तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको मिलते हैं ड्रैगन बॉल से जुड़ी सभी इंटरेस्टिंग चीजें सबसे पहले। तो चलिए ब्रेकडाउन को स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट से कि क्या है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो अगर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हमें बहुत अच्छे से जानना है तो सबसे पहले हमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का सही सही मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को जैपनीज में क्या कहते हैं। मिकाते नो गोकुई। और हाँ, यहाँ पर गोकुई का गोकू से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए, तो अगर हम मिकाते जापानीज वर्ड का मतलब देखें तो उसका मतलब होता है सेल्फिश या इगोइस्टिक, कोई भी इंसान जो ईगो से भरा हुआ हो। लेकिन अगर हम इसी मिकाते जापानीज वर्ड का कांजी करें, कांजी का मतलब एक जापानीज वर्ड जो चाइनीज वर्ड्स को मिलाकर लिखा गया है, तो मिकाते दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मी और गाते। और अगर हम इनका मतलब देखें तो मी का मतलब होता है बॉडी और गाते का मतलब होता है ऑटोमेटिक। तो बॉडी ऑटोमेटिक, तो इसका एक तरीके से मतलब निकलता है कि ऑटोमेटिक बॉडी मूवमेंट, कि बॉडी अपने आप से ही मूव कर सकती है। और इसका इंग्लिश में जो मतलब है वो है इंस्टिंक्ट। तो एक तरीके से इंस्टिंक्ट का मतलब हो गया ऑटोमेटिक बॉडी मूवमेंट, बॉडी जो कि अपने आप से ही मूव कर सकती है, जो कि हमें कुछ एपिसोड्स पहले विस ने भी बताया था। और फिर उसके बाद बचा नो गोकुई। नो गोकुई का मतलब होता है अल्ट्रा, और अल्ट्रा का अगर हम सही में मीनिंग देखें तो उसका मतलब हो गया कि किसी भी चीज का हाईएस्ट लेवल, जैसे कि हम बोल सकते हैं अल्टीमेट लेवल। तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का जो सही मतलब है वो है कि कोई भी फाइटर जो इस स्टेट को हासिल करता है वो अपने ऑटोमेटिक बॉडी मूवमेंट को एक अल्ट्रा लेवल पे, एक अल्टीमेट लेवल पे ले जाता है, जिसका सामना करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये चीज डिपेंड करती है कि वो फाइटर कितना ताकतवर है और कितना ताकतवर नहीं। जैसे कि इस केस में गोकू, गोकू के पास गॉड फॉर्म है तो उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो चलिए, अब हमें पता लग चुका है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, या मैं बोल सकता हूं मिकाते नो गोकुई, इसका जो असली मतलब है वो है कि एक फाइटर जब अपने ऑटोमेटिक बॉडी मूवमेंट को एक अल्टीमेट लेवल पे ले जाता है। तो अब आते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आखिर काम कैसे करता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ऑटोमेटिक बॉडी मूवमेंट, लेकिन वो सारी चीजें हो कैसे रही हैं और कैसे काम कर रही हैं, अब इसको जानते हैं। तो इस चीज का सही आंसर जानने के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, जो हम सबके साथ ही बहुत बार हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर टेबल पर कुछ रखा है और कुछ चीज टेबल से गिर जाती है, तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सोचते भी नहीं है और हम उस चीज को कैच कर लेते हैं बिना सोचे समझे। तो जो वो टाइम बचा जिसमें हमने नहीं सोचा, लेकिन अगर हम किसी चीज को गिरते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि अब मुझे कैच करना है, तो वो बहुत ज्यादा लेट प्रोसेस हो जाती है इसके मुकाबले कि हमने कुछ चीज बिना सोचे समझे की। तो जब हम देख सकते हैं गोकू और जीरन की फाइट में कि जीरन के मूवमेंट तो पहले से ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसे हैं, लेकिन जब गोकू इस स्टेट को अचीव करता है तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले ही गोकू सिर्फ जीरन की तरफ देखता है और अगले ही पल सेकंडों से भी पहले वो जीरन को एक किक कर चुका होता है, लेकिन जीरन उससे बच जाता है, वो एक अलग बात है। तो उस टाइम गोकू की पूरी बॉडी कुछ इस तरीके से काम कर रही है कि गोकू को सोचना नहीं पड़ेगा कि उसको किसी अटैक से बचना है, कि कोई पंच कहां
पर आ रहा है या उसको कहां पंच करना है। उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ अपनी लड़ाई पे कंसंट्रेट करना है और बाकी उसका शरीर खुद ही ऑटोमेटिक तरीके से मूव करेगा और अटैक करेगा और उसी के साथ डिफेंस भी करेगा। और ये चीज इतनी ज्यादा पावरफुल है कि जब तक गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में रहा, जिरन उसको एक पंच भी नहीं अच्छे से मार पाया। लेकिन गोकू भी अभी इस फॉर्म का इतना आदि नहीं हुआ है, गोकू ने अभी ये फॉर्म मास्टर नहीं करी है, जिसकी वजह से वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को खोने लगता है। और यही बात लेके चलती है हमें हमारे इस वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ कि क्यों गोकू इस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रह पाया। तो जैसा कि हम सब ने देखा कि जब विज गोकू को एनालाइज कर रहे होते हैं कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में कैसे आया, तो वो बताते हैं कि किस तरीके से स्पिरिट बॉम्ब के साथ गोकू का कांटेक्ट हुआ होगा और स्पिरिट बॉम्ब की शक्ति गोकू की शक्ति से टकराई तो गोकू की अपनी छुपी हुई शक्ति एक शेल तोड़कर बाहर आई। लेकिन विज भी उसकी जो हीट है, उसके चारों तरफ की जो ऑरा है, उसके बारे में बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं है कि वो क्या है और क्या नहीं। और जब गोकू और जिरन की फाइट कम्प्लीट होती है तो जिरन गोकू को साफ साफ बता देता है कि जो गोकू की हीट है वो उसकी एक लिमिट है। तो क्यों है वो गोकू की लिमिट, क्या है वो हीट, तो चलिए इसको भी थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब पहली बार गोकू सुपर सैयन 3 बना था, तब गोकू ने खुद बताया था कि वो ज्यादा देर तक सुपर सैयन 3 नहीं बन के रह सकता, क्योंकि उतनी ज्यादा की को हैंडल करना उसके बॉडी की बस की बात नहीं है। तो यही सेम की का फंडा उसकी हीट के साथ है। तो जो गोकू की बॉडी के चारों तरफ वो हीट है, वही गोकू के लिए कमजोरी इसलिए बन जाती है क्योंकि अभी गोकू की बॉडी उस हीट को कंट्रोल करने लायक नहीं हुई है, क्योंकि गोकू ने एक तो वो फॉर्म बिल्कुल अभी हासिल करी है और ऊपर से गोकू उस फॉर्म का आदि भी नहीं है। तो गोकू को उस चीज को मास्टर करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, कुछ ट्रेनिंग चाहिए, जिसकी वजह से गोकू की बॉडी उस हीट की आदि हो पाएगी और उसके बाद गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ज्यादा देर तक रह पाएगा और अगली बार शायद जिरन ये ना बोल पाए कि ये हीट तुम्हारी कमजोरी है। और दूसरी बात कि जिरन की टेक्निक्स भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और हिट के टाइम से बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि जिरन की जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी है। वो भी अपने बॉडी मूवमेंट्स को ऑटोमेटिक कर सकता है और उसी के साथ साथ जिरन टाइम का इस्तेमाल भी कर सकता है, जैसे कि वार्डोस ने हमें बताया। तो अब हम सब जान चुके हैं कि क्या है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, कैसे काम करता है और क्यों गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ज्यादा देर तक नहीं रह पाया। तो चलिए गाइस, अब आपकी बारी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू है तो उस रेड सब्सक्राइब बटन पर अपना फेवरेट अटैक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू कि आपने वीडियो पूरी देखी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।